अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सद्दाम और अभी हम मौजूद हैं नेपाल में बनियानी में। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग बनियानी में मौजूद है और आज हम आपको विज़िट कराएंगे नेपाल के बनियानी और किस तरह है यहाँ का शहर, आपको वो भी दिखाएंगे। ये छोटा सा एक शहर है नेपाल का और काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का व्यू ज़्यादा ही अच्छा है। तो हम आपको यहाँ की खूबसूरती के बारे में दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करके दिखाएंगे। और इससे पहले दोस्तों, जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। पीछे आप देख रहे हैं नेपाली मार्केट है, हम उस मार्केट में भी जाएंगे, कई मार्केट में जाकर आज हम आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम और इस तरह आपको खूबसूरत वीडियो आपको दिखा सके। तो दोस्तों, कैसा लगा ये शहर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मार्केट है और काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो ये चारों तरफ अभी हम जो है ये मार्केट में ही घूम रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा। तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में किस तरह आपको ये लगा। और काफ़ी दिलकश नज़ारा है यहाँ का और माहौल भी अच्छा है। चलते हैं, हम किसी एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहाँ कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और आप उसके बारे में ज़रूर दिखाएंगे। तो आप इस तरह के यहाँ पूरे नज़ारा देख रहे हैं इस तरह के सामने। तो कैसा लगा ये नेपाल का मार्केट आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और काफ़ी दिलकश नज़ारा है और ये है बस स्टैंड, टेम्पो वगैरह आपको कहीं जाना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा मार्केट कुछ इस तरह का हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, ये हम पीछे इस निशान के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों, ये है कुछ निशान, इसको राजवंशी निशान बोलते हैं, पहचान है यहाँ का कल्चर, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर मतलब बौद्ध धर्म के मानने वाले ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुछ राजवंशी है जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, तो ये उनका जो है पहचान है। तो ये कुछ इस तरह हमें देखने को मिला और यहाँ से आप अगर पूरे शहर को देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। और हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो कुछ इस तरह हमें देखने को मिला। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किस तरह ये मार्केट लगा और यहाँ का कल्चर कैसा लगा, ज़रूर बताइए। तो काफ़ी खूबसूरत मार्केट है, काफ़ी बढ़िया माहौल है, तो आप ज़रूर यहाँ घूमने के लिए आए, विज़िट के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और जो लोग जो है पीके टाइप के हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ वाइन जो है कहीं भी पी सकते हैं, उसके लिए कोई मतलब फुल छूट है। तो कुछ इस तरह हमें मिला रहवर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहवर भाई। तो ये है रहवर भाई और हम यहाँ पर आए तो रहवर भाई से मुलाकात है। और रहवर भाई कुछ बोलना चाहेंगे हमारे लिए? तो दोस्तों, अभी हम मौजूद है बनियानी में और ये जहाँ मौजूद है ये शहर का बीचों बीच है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू है। आप देख सकते हैं ये जो आप सामने हम देखेंगे होंगे वीडियो में, तो ये राजवंशी का पहचान है, क्योंकि ये एरिया में ज़्यादातर राजवंशी ज़्यादा ही रहते हैं और इस वजह से ये उनकी एक पहचान है, संस्कृति का इनके जो है संस्कृति है वो
कल्चर है, वो कल्चर का एक पहचान है। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, तो काफ़ी खूबसूरत ये मार्केट है। और अभी हम मौजूद है मेघनाथ भाई की दुकान में, और ये इनके है गारमेंट की दुकान है। तो किसी को ज़रूरत है कपड़ा वगैरह ख़रीदना, तो आप इनसे इनके दुकान पे आ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का मार्केट हमें देखने को मिला, काफ़ी खूबसूरत व्यू है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये मार्केट आपको कैसा लगा और यहाँ का कल्चर कैसा लगा, ज़रूर बताइए। और काफ़ी अच्छा है यहाँ का माहौल। तो दोस्तों कुछ इस तरह हमें नेपाल देखने को मिला, और यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैंने देखा कि लोग जो है प्लांट के बहुत शौकीन है। हर घर में आपको जो है घर के आगे जो है प्लांट्स लगे होंगे, और ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरी है ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिला कि हर घर के आगे आपको जो है पौधे वगैरह लगे हुए मिलेंगे, और ये काफ़ी खूबसूरत बना देता है घर को। काफ़ी अच्छा है यहाँ का मौसम भी अच्छा है आज, क्योंकि हल्के हल्के बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है। तो आज आप इसी चीज़ को दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा, वो भी बताएंगे।